दोस्तों बात करेंगे पल्स एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसे आप एसबीआई कार्ड पल्स के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो आपको काफी सारी बेनिफिट वहां से मिल सकता है, काफी पैसे की आप वहां से बचत कर सकते हैं। डिटेल में बात करूंगा, लाइव प्रूफ के साथ ही बातें करूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलना, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी तमाम सारी वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लेके आता रहता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित तिवारी, बिजनेस कोच, लीडरशिप मास्टर एंड ट्रेनर। चलो चलता हूँ सीधे मोबाइल स्क्रीन पे, वहां पे आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ आखिर क्या है इसके बेनिफिट, क्या है इसकी क्राइटेरिया, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मोबाइल स्क्रीन पे एसबीआई कार्ड पल्स आपको दिख रहा है, जिसकी ज्वाइनिंग फीस 1499 प्लस 18% जीएसटी है, जहाँ पे क्रेडिट लिमिट आपको 40,000 रुपये से लेकर के 10,00,000 तक मिल सकती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अनसिक्योर कंडीशन में 3.5% मिलेगा। यहाँ पे सिक्योर कंडीशन दिया नहीं है, लेकिन सिक्योर कंडीशन में 2.75% लगता है। अब दोस्तों वेलकम गिफ्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे नॉइस कलर फिट पल्स 2 मैक्स स्मार्ट वॉच वर्थ 5,999 यानी 6,000 का मिलता है। द ई वाउचर विल बी शेयर्ड विथ कस्टमर ऑन पेमेंट ऑन ज्वाइनिंग फीस। जब ज्वाइनिंग फीस आपकी आएगी, यानी जब आप कार्ड को चालू करेंगे उसके जो है 30 दिन बाद जब ईएमआई मतलब बिल बनेगी, बिल बनने के बाद जब पे करेंगे उसके बाद में आपको मिल जाएगा। प्रिविलेज मेंबरशिप बेनिफिट देखिए 12 मंथ फिट पास प्रो एंड नीटमेट्स फर्स्ट मेंबरशिप यहाँ पे आपको मिलती है, ठीक है। मेंबरशिप विल बी रिन्यूअल इन द कार्ड होल्डर पे हीज रिन्यूअल फ्री ऑन अर्न एसबीआर, ठीक है। इसके बारे में आप सर्च कर लेंगे थोड़ा सा। इन द फर्स्ट ईयर मेंबरशिप विल बी अवार्डेड पेइंग द ज्वाइनिंग फीस एंड कार्ड एक्टिवेशन। जब कार्ड एक्टिव करेंगे और जो है उसको उसका बिल पे करेंगे तभी जाकर के ये आपको मिल पाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड रिवार्ड पॉइंट की। देखिए 100 रुपये खर्च करने पर आपको 2 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। कस्टमर कैन गेट ए वैल्यू बैक 0.5%, यानी 1 रिवार्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो 50 पैसे होती है, ठीक है। 4 रिवार्ड पॉइंट इक्वल टू 1 रुपये, यानी 1 रिवार्ड पॉइंट की इक्वल टू यहाँ पे क्या होती है 25 पैसे होती है, 2 रिवार्ड पॉइंट इक्वल टू 50 रुपये, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना है। एक्सीलेटर रिवार्ड पॉइंट यहाँ पे देखिए 100 रुपये खर्च करने पर आपको 10 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, यानी 2.5 रुपये 2.5% आपको वैल्यू बैक हो जाती है, ठीक है। अब स्पेंड बेस्ड रिवर्सल क्या है, साल में 2,00,000 रुपये अगर आप खर्च कर लेते हैं तो आपकी एनुअल फीस माफ़ हो जाती है। माइलस्टोन रिवार्ड पॉइंट की बात करें तो मेरे दोस्तों ऑन स्पेंडिंग 4,00,000, अगर आप 4,00,000 रुपये खर्च करते हैं तो INR 1.5 के वाउचर यानी 1500 का आपको वाउचर मिल जाता है अलग से। अब दोस्तों बात करते हैं लॉन्च एक्सेस की। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंड डोमेस्टिक लॉन्च विजिट एक्सेस आपको मिल जाता है। 8 एक्सेस विल बी प्रोवाइडेड इन एन ईयर, यानी 8 आपको जो है एक साल में मिलते हैं। ओनली 2 डोमेस्टिक लॉन्च विजिट पर क्वार्टर, यानी एक क्वार्टर में आप 2 ही यूज़ कर पाएंगे। आपको बताया 4 क्वार्टर होते हैं तो 8 आप यूज़ कर लेंगे। प्रायोरिटी पास की अगर बात करें मेरे दोस्तों, प्रायोरिटी पास भी यहाँ आपको मिल जाता है। नो कॉम्प्लीमेंट्री विजिट एंड ईच विजिट विल बी चार्ज EVST, ठीक है, कोई चार्ज भी नहीं लगता है। $99 यहाँ पे आपको फ्री होता है प्रायोरिटी पास। फ्यूल सरचार्ज की बात करें तो 500 रुपये से लेकर के 4,000 के बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1% जो उसका फ्यूल सरचार्ज होता है वो आपको वापस हो जाता है। 250 रुपये पर स्टेटमेंट साइकिल, ठीक है, आपको मिल जाता है, यानी हर मंथ आपको कितना मिलेगा 250 रुपये जिस हिसाब से आप भरवाएंगे। अदर बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे देखिए फ्रॉड लाइबिलिटी आपको 1,00,000 का जो है मिल जाता है कवर, और एयर एक्सीडेंट आपको 50,00,000 की बीमा इससे फ्री मिलती है दोस्त, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और ग्रुप ट्रेवल इंश्योरेंस यहाँ पे देखिए चेक्ड बैगेज कवर अप टू 72,000, लॉस ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट अगर आपको खो जाता है तो 12,500 रुपये, डेली फ्लाइट देखिए 7,500, डिले अगर फ्लाइट डिले होती है तो इस तरीके से तमाम सारे आपको बेनिफिट निकलते हैं। बिगेस्ट डैमेज कवर अप टू 5,000, ठीक है। एडिशनल बेनिफिट की बात करें तो कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी वाईफाई फीचर मिल जाता है। एडन कार्ड यानी इस कार्ड के बिहे पे अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और बेटी बेटा के नाम पे आप जो है उसको क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं अगर 18 साल से ऊपर है तो, और उसका जो भी बिल बनेगा वो आपको ही भरना पड़ेगा, आपके कार्ड पे ही बिल आएगी, लेकिन वो आसानी से यूज कर पाएंगे। वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस, वो कहीं भी ये जो कार्ड है कहीं भी एक्सेप्ट हो जाएगा। यूटिलिटी बिल पेमेंट कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी बिल आप पेमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं प्रिविलेज सर्विस की। देखिए एक्सेस टू 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री फिट पास प्रो मेंबरशिप, देखिए फिट पास मेंबरशिप एक्सेस टू नेटवर्क ऑफ जिम, ठीक है, फिटनेस कंटेस्ट एंड क्लासेस अलाउ नो मोर देन 12 सेशन पर मंथ, देखिए 12 सेशन पर मंथ मिलता है, 3 सेशन पर वीक
एंड वन सेशन पर डे एक्रॉस एक्यूरेट नेटवर्क एंड फिटनेस सेंटर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या दिखा है, फिट कोच मेंबरशिप, फिट कोच मेंबरशिप भी आपको मिल जाएगी, अवेलेबल फिटनेस। यहाँ पे देखिए प्रिविलेज, प्रिविलेज सर्विस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, एक्सेस टू वन ईयर कॉम्प्लीमेंट्री नेटमेट्स फर्स्ट मेंबरशिप, देखिए अनलिमिटेड ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। एनुअल बेसिक हेल्थ चेकअप आपको फ्री होता है, एडिशनल 2.5% NMS सुपर कैश बैक आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, एडिशनल 5% आप ऑन जो है पैथोलॉजी लैब टेस्ट मिल जाता है, और अनलिमिटेड फ्री डिलीवरी। ओके दोस्तों, बात करें अगर क्राइटेरिया की, क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया बड़ी सिंपल सी है, अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी एज 21 से 60 साल होना चाहिए, अगर आप सिर्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी एज 25 से 65 साल होना चाहिए, अगर आप जो है पेंशनर हैं, पहले गवर्नमेंट जॉब करते थे अब रिटायर हो चुके हैं, तो आपकी जो एज होना चाहिए वो 40 से लेकर के 65 साल के बीच में होना चाहिए। अब दोस्तों अगर इनकम क्राइटेरिया की हम बात करें, तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी स्लिप होना चाहिए, अगर आप नॉर्मल कार्ड ले रहे हैं तो, अगर आप कोई प्रीमियम कार्ड ले रहे हैं तो उसके लिए आपकी जो है 30,000 पर मंथ सैलरी स्लिप होना चाहिए। साथ ही साथ मेरे दोस्तों लेटेस्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए और जो है 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्राइटेरिया है मेरे दोस्तों, अगर आप सिर्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका ITR फाइल होना चाहिए, तो वहाँ पे 3 लाख का भी अगर आपके पास जो है ITR फाइल होगा, ITR फाइल का पेपर होगा तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो 3.6 यानी 3,60,000 रुपये का ITR फाइल हर वर्ष होना चाहिए, ठीक है, यानी बैक जो अपना बैक फाइनेंशियल ईयर है उसका चाहिए, साथ ही साथ बैक स्टेटमेंट चाहिए। यह है कार्ड टू कार्ड, अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो उसके बिहेव पे आप जो है SBI के क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि उस कार्ड के बिहेव पे आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट 30,000 प्लस होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों RC सर्टिफिकेट, यानी आपके पास कोई भी कार है, यानी ट्रांसपोर्ट से अगर आप संबंध रखते हैं, आपके पास कार है, ट्रक है, बस है, कोई भी आपके पास फोर व्हीलर कार है, तो आप जो है उसका RC और इंश्योरेंस जो है अपलोड करके आप उसके बिहेव पे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। फाइनली दोस्तों आप निजाना पल्स SBI क्रेडिट कार्ड के बारे में, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके अप्लाई कर सकते हो, और ऐसे तमाम सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली एक बेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।